देखिए आज हर एक बच्चा यही सवाल कर रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, क्या पढ़ाई छोड़ दें, अगर एग्ज़ाम नहीं होंगे तो क्या पढ़ाई छोड़ दें। ये बात निकल के आ रही है, हर एक बच्चा ये बात कर रहा है कि प्रमोशन मिलेगा तो पढ़ने की आवश्यकता क्या है, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे प्रमोशन मिलेगा तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो ये सवाल हर एक बच्चा आज के टाइम पे कर रहा है। यहाँ पर इग्नू की ओर से भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे और किस मोड पर होंगे। ये सारी ही बातें आप सभी की पढ़ाई पर कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डाल रही हैं और कुछ लोग इस तरह से बातें चला रहे हैं कि प्रमोशन मिल गया पढ़ाई बंद कर दो। ये सही मायने में आपको एक गलत डायरेक्शन में ले जाने की पूरी राह है और पूरी रणनीति है। इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होना ना होना अलग बात है, मेन बात क्या है कि आपको तैयारी कभी किसी के कहने पर नहीं छोड़नी है। देखिए इग्नू की ओर से क्लियर कर दिया जाएगा, ये ऑनेस्ट टॉक आप सभी से करना इसीलिए आवश्यक है बिकॉज कमेंट में जब आपकी पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है किस प्रकार से नेगेटिविटी फैल रही है। इस टाइम पे आप लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि प्रमोशन मिलेगा वाओ तो फिर पढ़ाई कर देते हैं बंद, क्या आवश्यकता है पढ़ने की। वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने कि बुक्स अवेलेबल नहीं है आपके पास में प्रिंटेड फॉर्म में, तो यार यहाँ पे इश्यूज़ हैं जिस कारण से आप लोग ये समझ लो कि पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए और प्रमोशन की राह होगी तो टेंशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे साफ कर दूँ कि प्रमोशन को लेकर क्लैरिटी नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल होने को लेकर क्लैरिटी नहीं है, एग्ज़ाम होने की संभावना इग्नू की ओर से डायरेक्टली बोली जा रही है, सिचुएशन डील कर रही है जिसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है कि एग्ज़ाम की पोजीशन या पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, जिस कारण से ये मान के चला जा रहा है कि प्रमोशन या कैंसिलेशन की बात निकल के आ सकती है। लेकिन अभी क्या, जब तक नहीं निकल के आती तो उस टाइम पर क्या करें, पढ़ाई छोड़ दें या बंद कर दें या पढ़ाई करते रहें, सबसे बड़ा सवाल यही है। उसके साथ ही एक और बात आपके साथ में क्लियर कर दूं, देखिए प्रमोशन अगर मिलता है, बाय चांस अभी तो बात क्लियर नहीं हुई है कि प्रमोशन दिया जाएगा, एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या एग्ज़ाम कब होंगे, जब तक ये गाइडलाइंस इग्नू की ओर से और गवर्नमेंट की ओर से ये आदेश नहीं आ जाती कि एग्ज़ाम करा सकते हैं तब तक क्लियर नहीं होगा। लेकिन मेन बात ये है कि मान लीजिए इन फ्यूचर मान लीजिए आपको प्रमोशन मिल जाता है तो जो आपने पढ़ा है वो क्या बेस्ट हो जाएगा, आपको इन फ्यूचर हेल्प ही करेगा या फिर आपकी तैयारी हो गई है और एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरह तैयार हो तो आपको प्रमोशन मिल जाते हैं, क्या प्रमोशन आपको मना कर देगा कि नहीं भाई हम आपको आपके साथ में नहीं रहेंगे बिकॉज आपने तो तैयारी कर रखी है आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, या इग्नू की ओर से ये कहा जाएगा कि आपने तैयारी की है आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे आपको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। देखिए प्रमोशन मिलेगा तो सब बच्चों को मिलेगा जो एलिजिबल हैं, उसमें ये बात नहीं कि आपने तैयारी की है या नहीं की, मैटर ये करता है कि अभी आपके पास में बहुत प्रॉपर टाइम है, मैंने क्लियरली कहा है 2 महीने का प्रॉपर टाइम है अभी आपके पास में, तैयारियां बिल्कुल मत छोड़ो, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहां से मटेरियल डाउनलोड करना है, क्या टिप्स फॉलो करनी है, उसके संदर्भ में एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है उसे देखिए, उसको अगर आपको पसंद आती है लाइक करें शेयर करें। और मेरी बात यहाँ पे क्लियरली याद रखो, आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि इग्नू की एग्ज़ाम देने हैं सिर्फ, आपको अपने इन फ्यूचर की बात देखनी है, जॉब्स की तैयारी करनी है, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स भी देने, फॉर एग्ज़ाम्पल UPSC SSCN एक्सेट्रा, आप सभी को सिर्फ यहाँ पे सिमट के नहीं रह जाना कि डिग्री ले ली बहुत हो गया, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपकी तैयारियाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हों, आपकी जो पढ़ाई है आज के टाइम पर आप जो पढ़ोगे वो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी अगर आप सही प्रकार से उसे पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो पछतावा होगा कि काश यार उस टाइम पे हम पढ़ लेते, बिकॉज ये यार गोल्डन टाइम है आपके पास में। मैं मानता हूँ परेशानियाँ हैं, एक मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर कोविड का, बीमारियों से बचने का है, एक वायरस तो सरदर्द कर ही दिया है, साथ ही फंगस ने भी परेशान किया है, उसी के साथ में बुक्स की अवेलेबिलिटी कम है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, इन इश्यूज़ के बाद में भी आपके पास में यार एटलीस्ट ये साधन है कि आपके पास में इंटरनेट है, फ़ोन है, आपके पास में ऑनलाइन बुक्स हैं अवेलेबल, YouTube पर बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो, तो बिल्कुल भी किसी के कहने पर नहीं आना है कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, मैटर नहीं करता, एग्ज़ाम होंगे आपको अपडेट मिलेगी, 21 दिन पहले आपको सूचना दे दी जाएगी, आप तैयारी करते रहिए बिल्कुल मत छोड़िए, अगर मान लीजिए प्रमोशन मिलेगा तब भी आपको मिलना है और नहीं मिलता तो आपकी तैयारी आपको जिताएगी, इसीलिए कह रहा हूँ तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सभी के साथ में शेयर कर दो ताकि वो बच्चे भी अपनी तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, और दूसरी जो वीडियो है प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके संदर्भ में जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर पाएंगे।
और अगर आपको एग्ज़ाम के संदर्भ में जानना है कि एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, क्या फॉर्मेट रह सकता है, उसके संदर्भ में एक लाइव सेशन ऑलरेडी मैंने किया है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। प्रमोशन के संदर्भ में जिन बच्चों को जानना है कि रियलिटी क्या है और अभी के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि मिल सकता है या नहीं, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप देख सकते हैं चाहें तो। सो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको सारे पॉइंट क्लियर आउट हो गए हों, बिकॉज यहाँ से ये बात करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज बहुत सारे बच्चे नेगेटिव दिशाओं में जा रहे हैं जिसका उन्हीं पर इम्पैक्ट होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, इसको पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दो, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, साथ ही चैनल पर बने रहो और अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।